दोस्तों सब्सक्राइब करो टेक्निकल यू को और लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए इस बेल आइकन को दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल यू में, मैं योगेश। आज इस वीडियो में हम देखने वाले कि एयरटेल यूजर के लिए एक खुशी की बात है। एयरटेल यूजर के लिए, यहाँ पर एयरटेल यूजर जो भी एयरटेल टीवी यूज करते थे या तो जो भी जियो टीवी यूज करते हैं, जो भी लोग हॉटस्टार एप्लीकेशन यूज करते हैं, उनके लिए ये न्यूज है जो कि एयरटेल की तरफ से आई है। अभी एयरटेल ने यहाँ पर देखिए, एयरटेल का जो एयरटेल टीवी एप्लीकेशन है वो यहाँ पर 50 मिलियन जो कि 50 मिलियन जो यूजर थे वो क्रॉस कर चुका है, यानी कि 50 मिलियन डाउनलोड यहाँ पर क्रॉस कर चुका है गूगल प्ले स्टोर पर एयरटेल टीवी का एक एप्लीकेशन। तो यहाँ पर एयरटेल टीवी अभी फिलहाल में तो फ्री हुआ था कुछ दिनों के लिए, यहाँ पर देखिए विदाउट सब्सक्रिप्शन चल रहा था एयरटेल टीवी, जो कि जून तक एंड होने वाला था, जून तक ये फ्री में चलने वाला था विदाउट सब्सक्रिप्शन के साथ में। तो बट यहाँ पर एयरटेल ने यहाँ पर आज एक अनाउंसमेंट किए हैं जो कि एयरटेल टीवी के बारे में है। तो यहाँ पर एयरटेल के 50 मिलियन यूजर हो चुके हैं, तो इसके खुशी में एयरटेल ने यहाँ पर कर दिया है एक ऐलान कि एयरटेल टीवी विदाउट सब्सक्रिप्शन चलेगा 31 दिसंबर 2018 तक, यानी कि यहाँ पर अगले जो नेक्स्ट 6 मंथ रहेंगे तो उस नेक्स्ट 6 मंथ के लिए एयरटेल टीवी विदाउट सब्सक्रिप्शन फ्री चलेगा ओनली जो कि एयरटेल यूजर है। अगर आप एक एयरटेल यूजर है, अगर आपके पास एयरटेल सिम है तो आपको यहां पर कोई सब्सक्रिप्शन चाहे कोई पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली आपके लिए फ्री हो गया है तकरीबन 31 दिसंबर 2018 तक। तो कुछ इस तरीके की एयरटेल की न्यूज थी। यहाँ पर एयरटेल कुछ ना कुछ करना चाहता है जियो के साथ में, या तो जियो को पीछे छोड़ने के लिए कुछ ना कुछ हर दिन करते रहता है। तो इन दोनों में से जियो टीवी बेस्ट है या तो एयरटेल टीवी बेस्ट है। तो यहाँ पर तो जियो टीवी से ज्यादा चैनल तो नहीं बोलूंगा मैं, जियो टीवी पर इससे ज्यादा चैनल अवेलेबल है। तो इन दोनों में से बेस्ट कौन है आप प्लीज कमेंट करके बताएं। दोस्तों इसके बारे में अगर और भी कुछ जानकारी चाहते हैं तो प्लीज कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।